हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AOC ट्रेसमैन और फायरमैन की वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर AOC में ट्रेसमैन या फिर फायरमैन जो कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ इस वीडियो में। फाइन दोस्तों, यहाँ AOC ट्रेसमैन में और फायरमैन में दोनों पोस्ट में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, किस तरह से यहाँ प्रोसेस रहने वाला है, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में, उनके यहाँ पर जॉइनिंग कैसे होगी, कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सेलेक्ट किया वेटिंग लिस्ट में। दोस्तों, जो भी कमेंट आते हैं मेरे पास वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड तक देने वाला हूँ। और स्पेशली जो कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, और जिन कैंडिडेट का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, उनको यहाँ आगे प्रोसेस क्या रहने वाला, क्या करना, किस तरह से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होगा, कब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास अभी तक यहाँ पर कोई मेल नहीं आया है और उनका यहाँ पर AOC ट्रेसमैन और फायरमैन में वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उनको किस तरह से यहाँ वो पता लगाना कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, AOC ट्रेसमैन और फायरमैन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जो भी मेरे पास कमेंट आए हैं, उन सभी सॉल्यूशन को लेकर इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, जिससे कि यहाँ AOC ट्रेसमैन और फायरमैन की वेटिंग लिस्ट से जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ AOC ट्रेसमैन में और फायरमैन में सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर फिजिकल एग्जाम होने के बाद फाइनल मेरिट आउट कर दी गई थी। जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल मेरिट से, भी सभी कैंडिडेट यहाँ वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। पर दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है, यहाँ AOC ट्रेसमैन और फाइनल में दोनों पोस्ट में वेटिंग लिस्ट चेक कर दी गई है। पर दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर लिस्ट नहीं लगी है। पर दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आ रहे हैं, उनको यहाँ पर डेबी के लिए बुलाया जा रहा है। उन सभी कैंडिडेट को जिन कैंडिडेट का यहाँ पर AOC ट्रेसमैन और फायरमैन सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट से, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मेल आ रहे हैं, उनको यहाँ पर DB लेटर भेजे जा रहे हैं, और उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या फिर साथ में उनको यहाँ पर सेंटर में बुलाया जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से आपके पास यहाँ पर मेल आने वाला है। देख सकते हैं जो हम ये वेटिंग लिस्ट का DB लेटर है या फायरमैन का है, दोस्तों देख सकते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन में। दोस्तों, 23 सितंबर को यहाँ ये लेटर इशू किया गया था, और जो यहाँ पर DB होने वाला है वो COD देव रोड महाराष्ट्र में होने वाला है। और दोस्तों, नीचे डिटेल्स दिए हैं कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, वो ध्यान से सुन लें कि आपको यहाँ पर DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो आपके पास मेल आएगा उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवा लें, वो लेके जाना। और दोस्तों, आप वेरिफिकेशन के लिए जितने आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने हैं, एक ID लेके जानी है, और जो भी जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है जो एक्सपोर्ट सर्विस मैन वाले हैं, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके पास हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट के लेके जाने हैं। और दोस्तों, सभी की यहाँ पर जो कॉपी लेके जाना, उनकी एक फाइल बनाना, जिससे कि आपको DB की रात में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, बात करते हैं कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा AOC ट्रेसमैन और फायरमैन में। दोस्तों, कम से कम 25+ कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ दोनों पोस्ट में, ट्रेसमैन में और फायरमैन में। और दोस्तों, ट्रेसमैन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 18 से 20 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, और जो बाकी के हैं कैंडिडेट वो यहाँ पर फायरमैन वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सेलेक्ट किए हैं वेटिंग लिस्ट में, वो ट्रेसमैन में किए हैं। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने DV नहीं करवाया था, इस रीजन की वजह से यहाँ पर ट्रेसमैन वेट में जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्टिव कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। और फायरमैन ज़्यादातर करवाई थी, एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने नहीं करवाई थी, इसलिए उन जगह को भरने के लिए फायरमैन में वेटिंग लिस्ट को निकाला गया है। बस दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पर 25+ कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ वेटिंग लिस्ट में, ट्रेसमैन में और फायरमैन में। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आया है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर DV करवाने के लिए जा रहे हैं।
और दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर आया है जिसका ये डीवी होने वाला है वो 9 अक्टूबर से पहले पहले होने वाला है। जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों जिस कैंडिडेट के पास यहाँ पर ऐसा कोई मेल आया तो मुझे भेजते जिससे कि मैं कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ। और दोस्तों ये जो बेटन इसके डीवी लेटर आ रहे हैं वो कब तक आएंगे, तो दोस्तों यहाँ 10 अक्टूबर तक यहाँ ये लेटर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर AOC ट्रेसमैन और फायरमैन दोनों पोस्ट में जॉइन लेटर आने लग जाएंगे वेटिंग लिस्ट की वजह से। यहाँ AOC ट्रेसमैन और फायरमैन में वेटिंग लिस्ट की वजह से यहाँ पर जॉइनिंग को रोका हुआ है। वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और AOC ट्रेसमैन और फायरमैन में यहाँ पर जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब AOC ट्रेसमैन और फायरमैन जॉइनिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो अब जाकर यहाँ पर जिनका सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में DB कम्प्लीट होने वाला यहाँ पर जॉइनिंग होने वाली है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ DB हो जाएगा उनके यहाँ दिसंबर या फिर नवंबर मंथ में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर जॉइनिंग होने वाली है। और दोस्तों 10 अक्टूबर तक ये लेटर आने वाले हैं। जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा उन सभी कैंडिडेट के पास यहाँ 10 अक्टूबर तक यहाँ पर लेटर आने वाले हैं। और दोस्तों किसी कैंडिडेट का AOC ट्रेसमैन या फिर फायरमैन से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में या फिर जॉइनिंग के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दें, AOC ट्रेसमैन और फायरमैन में वेटिंग लिस्ट जारी कर देगी। विदाउट वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था उन सभी कैंडिडेट के पास यहाँ पर DB लेटर भेजे जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपके पास यहाँ पर मेल आने वाला है जिस कैंडिडेट का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, चाहे टेस्टमैन हो या फिर फायरमैन हो। आप किसी कैंडिडेट का पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट में, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से आपके पास यहाँ पर मेल आने वाला है। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हैं इन डॉक्यूमेंट को लेकर जाना सेंटर पर, अपने यहाँ पर DB कम्प्लीट करवाने के बाद आप अपनी जॉइनिंग कम्प्लीट करा लें। दोस्तों ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता, गोल्डन चांस है। किसी कैंडिडेट के यहाँ पर AOC टेस्ट में फिर फायरमैन में सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट से, यहाँ पर देरी ना करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और दोस्तों जल्द से जल्द सभी कैंडिडेट के पास यहाँ पर DB लेटर आ जाएंगे जिस कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है। अगर आपका यहाँ वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो आपके यहाँ जल्द से जल्द सभी कैंडिडेट के पास मेल आ जाएगा, टेंशन फ्री रहें। आप किसी कैंडिडेट के पास आता है मेल तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें जिससे कि मैं आधा कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूं। तो दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है AOC से रिलेटेड तो सबसे पहले चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ AOC टेस्ट में फॉर्म वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं आने वाले दिनों में जॉइनिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में दी गई जानकारी AOC टेस्ट में और फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी दी है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड या फिर जॉइनिंग से रिलेटेड अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर जो फॉलो कर लेना।